समय की अपनी परिसीमा है। यह 37वां समारोह संगीत समारोह है और हर एक संगीत समारोह में और हर एक सत्र में दर्शक और श्रोताजन अपनी उपस्थिति को लेकर यहाँ पर बरकरार रहते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम फिर एक बार प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। सूर्यश्री केसरबाई केरकर, पीयूष मूर्ति, एक स्वर आभा, फोंडा केरी की सुकन्या केसरबाई केरकर ने जीवन भर स्वर साधना की। अनेक घराना के मान्यवर बुजुर्गों और पंडितों द्वारा उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। आगे जाकर अल्लादिया खां के मार्गदर्शन से स्वयं को प्रेरित कर स्वरों के साथ में कायम रखना मानो उन्होंने जीवन का एक मंत्र बनाया। देश के श्रेष्ठ कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें सूर्यश्री का खिताब दिया और भारत के शास्त्र की ओर से पद्म भूषण इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन से इस घड़ी का शुभारंभ 37वें सूर्यश्री केसरबाई केरकर संगीत समारोह आपकी तालियों की गूंज में इस समारोह का उद्घाटन। उन्हें सम्मान से बहाल कर दे और साथ ही अन्य सदस्यों से यह नम्र निवेदन है, सरस्वतीचे आशीर्वाद आशीर्वाद लाभणे किंवा मिळणे हे स्वाभाग्यवस होते। सूर्यश्री केसरबाईंची निष्ठा, शिस्त आणि नियम त्यांनी आपल्या शिष्यांनाही शिकवले। सूर्यश्री केसरबाईंचा आवाज आणि त्यांचं गायन शैली तर खूपच सुंदर अशी होती। त्याचबरोबर त्या गायनाचा आस्वाद घेण्यासाठी विशेष असे श्रोतेही आवर्जून उपस्थित राहायचे। विश्वकवी गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर यांनी तर या संगीत विभूषीचे केलेले कौतुक तर प्रत्येक गोमंतकेचे मान अभिमाने उंचावणारेच आहेत।